जी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा सामान हम ले आए इधर चूल्हे के ऊपर तंदूर के ऊपर। यहाँ से लकड़ियाँ उठाई जा रही हैं और ये देखें जी इतनी सारी बकरियाँ इधर चार रही हैं। इधर जी आज चारा काटा जा रहा है। खैर है सारा कपेंदे पावे। ये देखें जी करेले हमने निकाल दिए। लग बड़ी मजे की रही है। मजे की होती। हाँ ये मलबा रेबिशेप में बुले हो रेबिशेप। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग सुबह बखैर। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जहाँ भी रहा खुश रहें, बाद रहें, हमें दो में याद रखें, हंसते मुस्कराते रहें फल की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो चुकी है और सुबह की रूटीन सारी तो आप बहन भाइयों से शेयर नहीं कर सके क्योंकि आपका भाई बाहर गया हुआ था और मैं अकेली थी वीडियो बनाने में, तो इसी वजह से जो है ना सारी वीडियो आपको नहीं दिखा सके। काम जो है ना सारा ख़त्म हो गया। आप जो तंदूर गर्म कर रही हूँ, रोटी नाश्ता बनाना है, नाश्ता फिर खाना है। तो जो न्यू है हमारे चैनल को करते सब्सक्राइब लाइक शेयर। और आज जो है ना हमारी वीडियो बहुत ख़ास है, हमारी वीडियो को एंड तक देखना है और रहें हमारे साथ साथ, चलते हैं वीडियो की तरफ। ये झाड़ू भी मैंने लगा लिया है और ये बर्तन वगैरह धो लिए हैं और जो हांडी है ना वो धो ली है। इसे जो है ना ले देना है मट्टी का ले। और अभी तक जो है ना आपका भाई वापस नहीं आया, देखते हैं आपका भाई जो है ना आ रहा है कि नहीं। और इधर जो है ना ये जिन जिन को आ दें सर की ये जो जड़दा पशुदा इन्दे बच्चे चावल की बिजाई करें वजह तो को ख़त्म करें ये देखें बकरियां भी हैं और ये काट भी रहे हैं सब। वो सामने खड़ा है आपका भाई, पता नहीं ये क्या देख रहा है। ये मुझे लगता है ये खजूर देख रहा है कि खजूर जो है ना पकी है कि नहीं। अभी तक जो है ना ये पीली पीली हुई है। ये देखें ये भी बस कुछ दिन बाद जो है ना ये पक जाएगी। और हांडी मेरी इधर पड़ी है, इसको जो है ना मिट्टी लगा लूँ। ये देखें इधर जो है ना ये मिट्टी बाल्टी के अंदर मैंने जो है ना पानी डाल के रखी थी और इस हांडी को जो है ना ले देने के लिए। पता नहीं कि तंदूर गर्म हुआ है कि नहीं, बस तंदूर को भी थोड़ी सी देर है। लकड़ी इधर घिर गई थी, बस थोड़ी सी देर है रोटी लगानी है फिर। अब मैं बना रही हूँ प्याज क्योंकि सासू माँ नहीं है, वो कहीं पे गई हुई है, तो तंदूर भी गर्म हो रहा है। मैंने सोचा इधर प्याज भी बना लूँ और तंदूर भी गर्म हो जाएगा। प्याज मैंने आधे काट लिए हैं। अब जो ना ये तंदूर गर्म हो गया, रोटी बनाती हूँ, रोटी बना के फिर जो है ना ये प्याज बनाऊँगी। एक प्याज पड़ा हुआ है, ये सब कुछ है ना मैंने इकट्ठा करना है। ये इकट्ठा कर लूँ, रोटी बना लूँ, फिर जो है ना नाश्ता भी बच्चों को देंगे। और गर्मी गर्मी के हाल जो है ना अल्लाह पाक माफ़ करे, सुबह सुबह का टाइम है, इतनी शदीद किस्म की गर्मी है कि बस क्या बताएं आपको। अल्लाह माफ़ करे, ये थोड़े से बादल जो है ना नज़र आ रहे हैं, थोड़े थोड़े से, लेकिन ये होते सुबह के टाइम है फिर जो है ना ये चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये देखें
कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा, इतनी शदीद किस्म की गर्मी है। अल्लाह पाक माफ़ करे। और किसी बहन भी ने नाश्ता करना हो तो जल्दी जल्दी आ जाए। तंदूर हमारा जो है ना गोरा गोरा हो चुका है। अब मैं लगाती हूँ रोटी। अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर खरिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से आप सब बहन भाइयों की दुआओं से आपका भाई अल्ताफ बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारा देखने वाले सुनने वाले जहां भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी सामान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता फरमाए। जो परेशान हाल हैं अल्लाह ताला हमारे तमाम बहन भाइयों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। और जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन सबको औलाद नरीना अता फरमाए। तो माशाल्लाह सुबह का टाइम है लेकिन गर्मी आज इतनी ज़्यादा है ना, पहले इतनी कभी भी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई जो आज शिद्दत है गर्मी की। अल्लाह ताला रहम फरमाए। ये आप देख सकते हैं सुबह का टाइम है और पसीने जो है ना रुकने का नाम नहीं ले रहे। अल्लाह पाक रहम फरमाए। तो आप सबसे गुजारिश है वीडियो के साथ रहना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। आगे की वीडियो आप सब बहन भाइयों से शेयर करेंगे तो रहें हमारे साथ साथ। सुबह के टाइम बादल थे लेकिन अब जो है ना बादल बिल्कुल चले गए हैं, ये आप देख सकते हैं। कहीं से भी कोई थोड़े बहुत बादल भी नज़र नहीं आ रहे। तो मेरे मेहमान आ गए थे, मैं इधर बैठ ही रहा और अभी जो है ना घर चलते हैं और आगे की वीडियो आप सब बहन भाइयों से शेयर करते हैं। इधर जी आज चारा काटा जा रहा है। खैर आज सारा कपड़े पहले खैर चावलों की बिजाई करनी है। चलें जी, ये जो है ना सफाई कर रहे हैं तो मुश्ताक भाई कह रहा है कि चावलों की बिजाई करनी है। सही हो गया जी, प्याज कटाई हो चुके हैं, अब धुलाई हो रहे हैं जी। वो जो है ना सासू मां आ रही थी तो इसी वजह से इधर से पानी निकाल दो। मोहम्मद किवें आदा उन्हें सलाम कर। कैसे हैं आंटी अंकल? कैसे हैं आंटी अंकल? उम्मीद है आप ठीक होंगे। उम्मीद है आप ठीक होंगे। उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। मुझे गर्मी लगी हुई है। गर्मी थी होती है, पसीना आया हुआ है मोहम्मद को। इधर दादी जैनब बैठी है, रोटियां लग गई हैं। हाँ जी दादी जैनब सलाम करो। कैसे आंटी अंकल? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने दुपट्टा क्यों नहीं पहना हुआ? गंदे बच्चे। बर्बाद हुआ हुआ है। किसने किया है? खुद ने। खुद ने क्यों किया? हंसने वाला बटन ऑन हो गया। और इधर रोटी भी लग चुकी है। हाँ जी रोटियां लग चुकी हैं लेकिन मैं पहले नहाता हूँ। आज गर्मी से हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है बिल्कुल। ये देखें जी पसीने, अल्लाह माफ़ फरमाए। सुबह का टाइम है, सुबह को ये हालत है, पता नहीं आगे गर्मी क्या करेगी हमारे साथ। हाँ जी हबीबुल्ला हाँ जी फूलों की तरह। अस्सलाम कंटी जगह मेरी दा भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जान मेरा कुछ रहा बात रहा हंसते मुस्कुराते रहा फूलों की तरह। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी अब कहाँ जाना है? दूध लेने। दूध लेने चाबी दूँ जी? चलें जी चाबी देता हूँ। प्यारे बहन भैया दुआ करें कि गर्मी कम हो जाए। गर्मी जो है ना बहुत ज्यादा हमारे हालात खराब कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब रोटियों पे मक्खन लगाया जा रहा है तो सबको खिलाए, मैं नहा के फिर खाऊंगा। चलें आप नहा लें जल्दी रहना, ये छाछ खत्म ना हो जाए। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता हमने कर लिया शुक्र अल्लाह ताला का। और आज बंदा बाहर नहीं निकल सकता, आज गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। इतना शदीद किस्म की गर्मी, हालांकि फर्स्ट टाइम है और महसूस ऐसे हो रहा है जैसे दोपहर का टाइम होता है। तो ये अभी बाहर निकला हूँ पसीने शुरू हो गए हैं। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की गर्मी है। और इधर जी ये घास वगैरह काट दिया है क्योंकि यहाँ पर जो है ना
चावलों की बिजाई करनी है। ये देखें जी, अभी कुछ चारा खड़ा है, वो काटेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो इसीलिए बस कर दिया अब, क्योंकि गर्मी में बहर बंदा खड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला खैर करे। होए 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 जी, तो जुहर का टाइम हो चुका है और मैं जा रहा हूँ नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में। नमाज अदा करते हैं और फिर जो है ना घर आएंगे इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह थोड़ी बहुत हवा चल रही है, शुक्र अल्लाह ताला का, पहले से जो है ना कुछ शिद्दत कम महसूस हो रही है गर्मी की, अल्लाह ताला रहम फरमाए। और इस साइड पे जो है ना थोड़ी थोड़ी टुकड़ियां हैं बादल की, बाकी जो है ना बिल्कुल मसला साफ है। ये देखें जी, 2:15 बजे हमारी मस्जिद में जमात होती है और नमाज अदा करके फिर घर आएंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारी मस्जिद है और पंखे माशाल्लाह से अब बहर लग चुके हैं, पहले काफ़ी परेशानी होती थी असर की, मगरिब की और इशा की नमाज जो है ना बहर अदा करते थे तो गर्मी से बुरी हालत हो जाती थी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पंखे लग चुके हैं, शुक्र अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला भाई शफीक को अजर अजीम अता फरमाए और उन्हें सियत कामिल अजल अता फरमाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नबी सुन्नत अल-इतकाफ, اللهم افتح لي ابواب رحمتك। अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज अदा कर ली, शुक्र अल्लाह ताला का। बस 4 मिनट पहले मैं पहुंच गया था, सुन्नत अदा कर ली, जो 4 सुन्नतें होती है पहले फर्जों से, फिर जमात हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और बहर तो थोड़ी बहुत हवा महसूस हो रही है, लेकिन मस्जिद के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। ये आप देख सकते हैं पसीने जो है ना छूट रहे हैं। तो 2 का टाइम हो रहा है, अब 2:00 कुछ मिनट हो चुके हैं, तो अब चलते हैं थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर शाम की रूटीन आप सब बहन भाइयों से शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह करे कि बारिश हो जाए, गर्मी जो है ना बुरे हाल कर रही है हमारे, अल्लाह ताला रहम फरमाए हम सब पे। सब्जी मैंने आज जल्दी ले ली है क्योंकि फिर शाम के टाइम जो है ना सब्जी बासी बच जाती है, तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा फ्रेश फ्रेश और ताज़ी सब्जी जल्दी जल्दी ले लेते हैं। तो फिर अभी टाइम तो काफ़ी पड़ा है, तकरीबन 1.5 घंटे बाद जो है ना फिर हम रेसिपी बनाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज आपकी भाभी की फेवरेट रेसिपी बनेगी, तो अभी तो काफ़ी सारा टाइम पड़ा है, थोड़ी देर आराम करते हैं फिर इंशाल्लाह ताला शाम की रूटीन शुरू करेंगे। फाइनली सब्जी कटाई हो चुकी है और इधर लहसुन भी कटाई हो चुके हैं, अब हमारी शाम की रूटीन शुरू हो चुकी है। अब हम बनाने लगे हैं करेले की रेसिपी। हाँ जी, ये सब कुछ तैयार है, जो तंदूर में ले जाते हैं और उधर ही बनाते हैं। चलो जल्दी करें, यहाँ से लकड़ियाँ उठाई जा रही हैं और ये देखें जी इतनी सारी बकरियाँ इधर चर रही है, क्योंकि ये जमीन खाली कर रहे हैं ना, यहाँ पे चावल की बिजाई करनी है, तो इसलिए आज जानवर बकरियाँ सारे जानवर इधर ही थे चरने के लिए ले आए थे। तो अब तंदूर जलाते हैं और फिर जो है ना रेसिपी की कार्रवाई शुरू हो जाएगी हमारे। हाँ, चर नहीं सकोगे? नहीं, इधर से आ तो गई, इधर से आती, इसके ऊपर टांग पाँव रखो, इसके ऊपर पाँव रखो। ये आगे लकड़ी है ना, तो इसी वजह से मुश्किल हो रही है। चल जी, ये आ गई तंदूर के अंदर, थोड़े से गोबर ऊपर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले लगा रही है तीली, फिर डालेगी गोबर, पता नहीं क्यों ये पहली तीली जो है ना भूल जाती है। चलो दूसरी तो जल गई जी, दूसरी जल गई, वो भी बुझ गई, जल गई है, जल गई है। चलें जी अब डालें गोबर। ऊपर भी एक पड़ा है, जी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा सामान हम ले आए इधर चूल्हे के ऊपर, तंदूर के ऊपर। अब जो है ना सबसे पहले जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज है ना न्यू तरीके से बना रही हूँ, आज न्यू तरीके से बना रही हूँ। चलें जी देखते हैं आज न्यू तरीका इसका जो है ना कौन सा है। वो ना वो चला गया है, पहले जो है ना उसे को उबालती थी ना,
अब उबाल नहीं रही। ये जा रहा है जी करेला, आज ये उल्टे तरीके से बना रही है जी। पहले पहले तो प्याज और टमाटर को ब्राउन करती थी, आज ये और तरीका अपना रही है। चलें जी, ये न्यू तरीका आप सब बहन भैया से शेयर कर रहे हैं आज जी। ये कौन सा है न्यू तरीका इसका? वैसे जो पहले मैं बनाती थी ना वो फायदेमंद है। अच्छा जी, ये फायदेमंद नहीं है? नहीं, इसका फायदा नहीं है। हाँ नहीं, ये जो ना पेट खराब करता है। अल्लाह खैर करेगा, पेट खराब नहीं होगा। आज जो है ना ये सासू माँ ने कहा है कि आज इस तरीके से बनाना। चलें, मैंने कहा चलें जी आज इस तरीके से बना के देखते हैं। बिस्मिल्लाह। ये आ गई जी तंदूर के ऊपर। पहले जो है ना इसको हम फ्राई करते हैं। हाँ जी, ये अच्छे तरीके से फ्राई। चलें आप इसको फ्राई कर लो और फिर मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। ठीक है, ठीक है, जल्दी आना। करेले फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल रहे हैं। इसको फिलहाल निकाल देते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फिर जो है ना आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। ये जो है ना आज न्यू तरीके से बना रहे हैं, पहले YouTube पे कभी ये तरीका नहीं अपनाया। ऐसे ही है ना? हाँ ऐसे ही है, आज पहली बार बना। आज पहली बार बना रहे हैं YouTube पे ऐसी रेसिपी करेले की। ये देखें जी करेले हमने निकाल दिए हैं, अब जा रहे हैं जी प्याज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये चले गए जी प्याज, और थोड़ा सा इसको ब्राउन करके फिर बाद में टमाटर ऐड करेंगे। हाँ जी प्याज भी फ्राई हो चुके हैं, अब हम ऐड कर रहे हैं जी टमाटर को। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये आ गए जी टमाटर, मसाले वगैरह भी डाल दो। चलो जी ये जा रहे हैं सबसे पहले हल्दी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये आ गई जी लाल मिर्च, और ये इसमें जाकर नमक और खुश्क धनिया है ये थोड़ा सा पड़ा है। ये है जो खुश्क धनिया कुटा हुआ सारा डाल दो। चलो जी और थोड़ा सा गरम मसाला जी, ये आ गया जी थोड़ा सा गरम मसाला, और लहसुन भी पड़ा है। लहसुन भी अभी डालना है। ये आ गया जी लहसुन। चलो जी इसको फ्राई करते हैं, फिर बाद में करेला ऐड करेंगे। फाइनली सालन हमारा तैयार हो चुका है, अब इसको उतारते हैं फिर लगाते हैं रोटियां। चलें जी उतारे। ये आ गया जी अपनी जगह पे। फाइनली अब रोटियां लगाई जा रही हैं, कुछ लग भी चुकी हैं ये देखेंगे। और मगरिब का टाइम भी हो चुके हैं, आप जल्दी रोटियां लगा लें, अजाने भी होने वाले हैं। बस लग गई है रोटी। रोटियां मैंने लगा ली हैं और मामू जान भी खा रहा है, और इधर जो है ना आपका भाई ये पंखे का कोई मसला हो गया, ये पैप जो है ना, ये पानी वाला पैप होता है, उसी का जो है ना मसला हो गया, और आपका भाई बना रहा है। आपसे बन पाएगा? कोशिश तो करता हूँ। ये देखें ये तार, ये पैप जो है ना ये नीचे हो गया था। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी कूलर का पैप भी मैंने ठीक कर लिया है, लेकिन गर्मी से बुरा हाल हो गया है, पसीना पसीना हो चुका हूँ। ये है जी रेसिपी आज जो न्यू बनी है ना करेले की, करेले की रेसिपी अलग बड़ी मज़े की रही है, मज़े की होती। हाँ ये मलबा रेब शेप में कुंडे हो, रेब शेप, रेब शेप। हाँ जी रेब शेप कुन्नी भी मैं पूछे सर। अच्छा हाँ जी वाला शायद करवा रहे।
दूजी शादी करानी है तो तुम्हारी भाभी ये कह रही है दूसरी शादी करनी है ना फिर बारिश आएगी कुन्नी में सालन खाते हो। चले जी तरकते हैं रोटी जी। तो शाम का खाना हम खाने लगे हैं जिस बहन भाई ने खाना खाना है शाम का मोस्ट वेलकम जल्दी से आ जाए। मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है क्योंकि मैं दोपहर को खाता नहीं हूँ खाना सुबह और शाम को खाते हैं। और जिन बहन भाइयों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई है आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक भी कर दें शेयर भी कर दें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये जो है ना जहाज़ हमारा ये बहुत शोर करता है। तो वीडियो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जिंदगी बाकी तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त हमें रखना है दो याद फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।